हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। रेन लिली जो होता है वो बारिश में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो मानसून सीज़न में है वो आपकी रेन लिली बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करे, तो उसकी तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो ये रेन लिली के बल्ब्स होते हैं वो आज हम स्पॉट में लगाएंगे। तो ये तो जैसे मेरे पिंक वाली है, हमारे यहाँ पे एक दिन पहले बारिश हुई थी तो इसमें ये देखिए फूल आ गए, एक अभी और कलियाँ भी आई हुई है। तो ये वाली पिंक है और इसमें येलो और वाइट है। तो कौन सा बल्ब वाइट का है कौन सा येलो का, ये तो फूल आने पे ही पता पड़ेगा, लेकिन हम इसको इस पॉट में लगाते हैं। तो इसके लिए आपको कोई गहरा पॉट नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती है वो कोई ज़्यादा गहरी नहीं जाती है और ये जो बल्ब है वो आपस में मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो हम इसमें आज लगाएंगे। ये मेरे जो विंटर वाले प्लांट होता है उसी का खाली है, बस ड्रेनेजोल चेक कर लीजिए, सारे ड्रेनेजोल खुले होने चाहिए। तो इसको कवर करने के लिए मैं ये इसके ऊपर ये पत्थर रख देती हूँ। और ये इसके लिए जो मिट्टी लिए है उसमें गार्डन सॉइल है, सैंड है और कंपोस्ट है। ये मिक्स मेरे पहले के करा हुआ है, तो ये मैं पहले इसमें थोड़ा सा भर देती हूँ। तो देखिए हमने इसको थोड़ा सा मिट्टी से फिल कर लिया है। अब इसके बाद में हम अपने ये बल्ब जो है वो लगाना चालू करेंगे। तो ये जो पहले की इसकी पत्तियां हैं वो तो पहले से हटा दीजिए, और इसको आपको ज़्यादा दूर दूर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे हम एम्ब्रेस लिली वगैरह में जब बल्ब लगाते हैं तो थोड़ा गैप रखते हैं, इसको पहले से आप पास पास भी लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि जो इसके बल्ब है वो बस इतने ही रहेंगे, इसका साइज़ ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। बस वो इसकी जो रूट्स होती है उसमें से ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो इस तरह पास पास आप लगाते रहिए, जितना पास पास लगाएंगे फिर फ्लावरिंग होगी। तो पास पास में होगी तो वो एकदम से बुके के जैसे लगता है, और दूर दूर होगी तो जैसे अभी ये इसमें आ रखे हैं ऐसे दूर दूर आएंगे। तो देखिए हमने सारे जो अपने बल्ब हैं वो इस मिट्टी में लगा दिए हैं। अब इसके ऊपर एक लेयर मिट्टी की और डाल देंगे ताकि ये जो बल्ब है वो अच्छी तरह कवर हो जाए। तो देखिए हमने इसको कवर कर दिया है, अब इसमें हम पानी देंगे। तो देखिए अब हमने इसको पानी दे दिया है, अब इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे इसको 3 से 4 घंटे की धूप मिलती रहे, और जब बारिश का मौसम हो तो अच्छी बारिश इसको मिले, क्योंकि इसका नाम ही रेन लिली है। तो जब तक इस पर रेन का मतलब बरसात का पानी नहीं गिरेगा तब तक इस पर फ्लावरिंग नहीं होगी, और जैसे ही थोड़ी सी भी बारिश होती है इस पर देखिए इस तरह से अच्छी तरह कली आने लग जाती है और फ्लावरिंग होने लग जाती है। अब ये वाली जो लिली है इसमें बीज नहीं बनते हैं, ये बल्ब से ही प्रोपोगेट होती है, लेकिन ये येलो वाली लिली है इसमें बहुत सारे बीज बनते हैं। तो इसके जब फ्लावर एक्सपेंड होते हैं उसके बाद में इसमें काले काले छोटे छोटे बीज आते हैं, तो वो अपने आप ही गिर जाते हैं, तो अपने आप ही वो प्रोपोगेट हो जाते हैं। या फिर आप अलग से उसको प्रोपोगेट करना चाहते हैं तो वो आप बीज जो होते हैं वो कलेक्ट कर लीजिए और उनको दूसरे गमले में भी आप लगा सकते हैं। अभी हमने जब अपना सॉइल मिक्स तैयार करा था तब इसमें जो खाद थी वो मिला ली, वर्मी कंपोस्ट मिलाई थी मैंने इसमें। अब इसमें इस सीज़न में खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो रेन लिली होती है इसको बहुत ज़्यादा किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं रहती है, और ना ही इसमें कोई पेस्ट अटैक होता है। एक बार आपने खाद दे दी तो वो एक सीज़न के लिए काफ़ी है। और अगर आप मतलब इसी में जैसे इसी पॉट में है और आप खाद देना भूल भी गए हैं तो भी इसमें बारिश में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो जाती है, ऐसी कोई वो खाद की इसको ज़रूरत ज़्यादा नहीं रहती है। अब बस आपको इसके वाटरिंग का ध्यान रखना है, जब तक बारिश ना हो इसमें अच्छे से वाटरिंग करते रहें, लेकिन ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है,
और बारिश में भी इसका जो ड्रेनेज होल है वो खुला रहना चाहिए, ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकलता रहे, क्योंकि ये बल्ब है तो अगर इसको पानी ठहरा रहेगा तो आपके जो बल्ब है वो गल जाएंगे। तो अगर आप भी अपनी रेन लिली में अच्छी सी फ्लावरिंग चाहते हैं तो इन टिप्स को फॉलो करते हुए अपने बल्ब को इसी वक्त लगा लीजिए और बारिश में भरपूर फूल पाइए। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।